ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने आज आरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा अस्थाई सरकार का तख्त पलटकर यह संदेश दे दिया कि 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा था, अब विपक्ष मुक्त लोकतंत्र व रोजगार रहित विकास की कोशिश है। यह देश नौजवान लोकतंत्र के खिलाफ सरकार ने युद्ध का ऐलान कर दिया है, यह बहुत बड़ा धोखा है। आइए सुनिए क्या कहा दीपांकर भट्ट। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर के सत्ता में बैठने के बाद अब उनका दरअसल इस देश में जो कोशिश है विपक्ष रहित लोक और रोजगार रहित, तो विपक्ष रहित लोकतंत्र और रोजगार रहित पूरे देश के खिलाफ के खिलाफ लोकतंत्रों के बहुत बड़ा एक सरकार ने युद्ध फैलाना बहुत बड़ा धोखा है। पर लड़ाई देश की और पक्ष के सवाल पर जैसे राजनीति बोल रहे हैं बिहार सबसे बड़ा भगवान के आगे देखा कि ये बिहार से शुरू हुआ जितना भी हरियाणा में देश भर में तेलंगाना में हर जगह फैल गया, क्योंकि ये नौजवानों के साथ इतना बड़ा धोखा जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री कुछ गलत बयानी कर रहे हैं और सेना का भी बहुत गलत इस्तेमाल हुआ राजनीतिक बहस में सेना भी रहा। और जो कहा जा रहा है कि भाई हमारे सेना को जवान बनाने के लिए जरूरत थी, सवाल तो ये है कि सेना में हमेशा भर्ती होती रही है वो नौजवानों की भर्ती, कभी भी कोई 30 साल 40 साल 50 साल वालों की भर्ती तो हमेशा ही 18 20 22 साल की उम्र के लोगों की, सवाल वो नहीं। सवाल ये था कि कोविड से पहले जहां 85,000 की भर्ती हो रही थी आई नौकरी मिल रही थी वो संख्या अब सीधे 46,000 और उनमें से 3/4 4 साल के अंदर बाहर चले आएंगे, सिर्फ 1/4 बचेंगे और उनको भी कोई ऑटोमेटिक नौकरी नहीं मिलने वाली, फिर से परीक्षा दे करके 11,500 की नौकरी। सवाल है 86,000 बनाम 11,500 और जो सेना में वन रैंक वन पेंशन ये जो सिस्टम सेना में मुफ्त में इलाज में होता था अपने परिवार का तो कैंटीन से सबसे सामान मिलता उस जगह पे नो रैंक नो पेंशन। ये जो गुस्सा है बहुत जायज है, हमने उस समय भी नौजवानों से अपील की शांतिपूर्ण से किसानों से देखकर किसानों से सीख करके एक लंबी लड़ाई की हमें तैयारी करनी चाहिए। और इतने रोजगार के मुद्दे रेलवे में भी यही स्थिति हमने फिर बैंक के मामले में भी यही है कि देश को सरकार तो बेच रही है, ऐसी स्थिति में रोजगार सम्मान करने का ये हर नौजवान का अधिकार और इस अधिकार का अभी हमने देखा कि पूरे देश में मुकुल शर्मा के बयान को देखकर देश क्या परिस्थितियां में जबरदस्त इसको लेकर और जब हंगामा हुआ तब भारतीय जनता पार्टी बाहर अपने रिश्तों को ठीक रखने के लिए सरकार ने जब भारत के राजदूत को बुला करके ईरान ने सऊदी अरब ने तो तब भारत सरकार ने कहा कि ठीक है ये है कोई नहीं मुकुल शर्मा तीन एलिमेंट इनको हम पार्टी से निकाल देते हैं जो प्रवक्ता पद है वहां से हटा देते हैं। सवाल था कि भारत में भी संविधान कानून है, भारत में भी गंगा जमुनी चल रही तो नुपुर शर्मा ने जो किया है इसके लिए अगर आप कतार को सफाई देते इसके लिए अगर आप सऊदी अरब को और ईरान को सफाई दे सकते हैं तो पहले तो भारत की जनता को सफाई देना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमने देखा कि जो फटकार लगाई है कुछ शर्मा को हमें लगता है कि ये एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आधा काम किया। सवाल नुपुर शर्मा माफी मांगे प्रदेश की जनता से सिर्फ ये सवाल नहीं, सवाल है कि सरकार जिसका काम है कानून के हिसाब से देश को चलाना संविधान का पालन करना तो नुपुर शर्मा के इस बयान के बारे में जहां इतने सारे FIR हो रहे हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही, सरकार क्यों नहीं काम कर रही,
हमें लगता है कि फटकार तो सरकार को लगनी चाहिए और हमने इसी रूप में जो उदयपुर में कांड हुआ है, कन्हैया लाल दिल्ली की जो उसके बाद जो जानकारी मिलने लगी, इंडिया टुडे ने कल कुछ खुलासा किया, सोशल मीडिया में और भी बड़ा खुलासा, और ये पता चल रहा है कि जो रियाज अंसारी गिरफ्तारी भी भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उससे जुड़े हुए, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और लोगों से हमारी यही अपील होगी। ये घटनाएं हैं, इससे पहले एक समय हमने देखा कि मोहम्मद अफजा उसी राजस्थान और उस समय भी हत्या करने वाले ने वीडियो बनाकर दिया। ये जो देश में नफरत की राजनीति, संकीर्णता की राजनीति, हत्या की राजनीति है, इससे देश को बचाना है। सर्वोच्च हमारी अपील होती है कि नफरत, हिंसा, दमन, ये दहशत, ये जो पूरा माहौल बन रहा है, इसके खिलाफ हम रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, रोजी रोटी के सवाल पर, जो बिहार में 30 लाख से ज्यादा लोगों का राशन कार्ड छीन लिया गया, उनके राशन के सवाल पर, जो स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली के सवाल पर बहुत जरूरत दबाव गरीबों पर, आम लोगों पर जाना जा रहा है, वहाँ बिजली कहेंगे कम से कम 200-300 तक गरीबों को मुफ्त बिजली में मिल रही है, पंजाब में बात बिहार में क्यों नहीं, हमें लगता है कि बिजली दर में कटौती हो। ये जो मुद्दे हैं लोगों के पास, इन मुद्दों पर आंदोलन तेज हो और जिला तय किया है तेज करेंगे। अगले साल के शुरू में महाधिवेशन है पटना में 15 फरवरी से 25 फरवरी तक, और इससे पहले जो हमारे बड़े किसान नौजवान संगठन सबके राष्ट्रीय संगठन है। अब तो हमें लगता है कि जो आंदोलन है और उस आंदोलन का असर अब देख सकते हैं, बिहार विधानसभा में सबसे था और प्रोपोजल था कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर, हालांकि इस सवाल पर हमने देखा कि जब ये मुद्दा उठा उस समय जदयू के लोग भी बाहर, भाजपा के भी बहुत सारे लोग नहीं थे, ऐसी हो गई विधानसभा में कोरा भी नहीं था, तो लेकिन ये मूड तो साफ दिखा, बिहार का मूड है, बिहार की मांग है, ठीक जैसे बिहार में जातिवार जनगणना के समय सर्वदलीय सहमति बनी और फैसला हुआ, हमें लगता है कि बिहार की मांग है कि बिहार विधानसभा से बिहार सरकार ये प्रस्ताव भेजे, बिहार सरकार की कह दे साफ साफ, बहुत देश के बहुत सारी सरकारों ने कहा, सबसे ज्यादा बड़ा आंदोलन बिहार में हुआ और बिहार के नौजवानों का ये जो दर्द है, ये जो गुस्सा है, सरकार को इसको समझना चाहिए, इसका साथ देना चाहिए। और जो जेल में बंद किए गए, जैसे राजू जी के बारे में कह रहे थे, गया में हमारे राज्य कमेटी के साथ नौजवान नेता तारिक अनवर, उनको घर से उठा लिया गया बंदी से पहले किसी मंत्री के बाद अपने, और उठा करके रेलवे के किसी पुराने आंदोलन में खर्च, ये बिहार में नौजवानों के साथ होता है और उनको जेल में डाल करके हम तो नहीं याद दिलाएंगे कि 74 के आंदोलन का समय का जो आपातकाल था, आपातकाल से पहले से बिहार लड़े और लड़ करके जो आपातकाल का खात्मा हुआ, लोकतंत्र की वापसी भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान का किया। तो आज जो रेलवे के सवाल पर नौजवानों का गुस्सा हो, अग्निपथ के सवालों का गुस्सा हो, ये आज का 74 के आंदोलन की आहट है, और वो जो आपातकाल था और आज मोदी जी ने जो आपातकाल थोपा है हमारे ऊपर, इस आपातकाल के खिलाफ भी बिल्कुल बिहार उसी तरह से लड़ेगा। बिहार के नौजवान सरकार की तो पूरी कोशिश है देश को पीछे, ये
नारा अच्छे दिन का, लेकिन लगातार इससे बुरे दिन तो हिंदुस्तान तो अच्छे दिन का नारा देकर के देश पर बुरे दिन सोचना, देश को पीछे धकेलना लगातार। और आप इसको भी समझ सकते हैं कि सरकार तो अभी पता नहीं 2022 में है या हमेशा, कभी औरंगजेब के खिलाफ, कभी बाबर के खिलाफ, कभी लग रहा है कि ये मुगलों के जमाने की सरकार है, उस लड़ाई को आज लड़ रहे हैं। तो आज की जो लड़ाई है, जो आज देश में रोजगार के समाचार आप देख लीजिए कि हमारे डॉलर के मुकाबले में रुपया कहाँ, करीब करीब 80 रुपया डॉलर होने का, उस समय क्या कहा गया था 50 रुपये लीटर पेट्रोल, आज पेट्रोल डीजल की क्या रेट है, बड़ी महंगाई है। तो ये सरकार बिल्कुल अतीत की ओर देश को, बिल्कुल करना चाहिए। और इसकी कुछ शुरुआत तो की है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के 2 राउंड बैठक हुई है 15 तारीख को, और ये तय किया गया था कि हम दिया गया और इसी के तहत फैसला हुआ राष्ट्रपति चुनाव, इसको महज कोई एक व्यक्ति का चुनाव, इसलिए हमारे लिए ये चुनाव बचपन सिन्हा बनाम द्रौपदी के तरह तौर पर देखा जाए, तौर पर सभी व्यक्ति की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। लेकिन ये सवाल है कि राजनीति और भारतीय जनता पार्टी 2014 से और खास तौर पर जब से 19 में दोबारा लौट करके आए, वहाँ मोदी जी लौट करके आए हैं, यहाँ आर के सिंह साहब लौट करके आए हैं आरा, और तब से हम जो देख रहे हैं देश में तो रोजगार के मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त धोखा हो रहा है और पूरे देश को नफरत की आंधी। इस सवाल पर हमें राष्ट्रपति चुनाव में भी संविधान को बचाने के लिए मदद करनी होगी, हमें राष्ट्रपति चुनाव राजनीतिक और इसी हिसाब से हमें लगता है कि विपक्ष जो बिहार का अनुभव था, जहां काफी हद तक हम लोग कारगर हुए थे, सरकार नहीं बनी, उत्तर प्रदेश में कम सफलता मिली, लेकिन इस समय दो विपक्ष, एक विपक्ष तो पार्टियों का है, एक विपक्ष है जो सड़क पर जो किसानों का, जो नौजवानों का, ये दोनों विपक्ष, जो आंदोलन का विपक्ष है और जो विधानसभा संसद वाला जो विपक्ष, और माले की यही कोशिश है कि दो विपक्ष एक साथ, और जो आंदोलन वाले विपक्ष का जो देव देवर है, जो ऊर्जा है, उसका संचार विधानसभा संसद में हो और पूरे हिंदुस्तान में निर्णायक दौर है विपक्ष रहित लोकतंत्र और दर का शासन किस पुखा का हमारे विपक्ष को खड़ा होना होगा और दर के खिलाफ बिल्कुल साहस के साथ, और हम इसलिए खिलवाड़ के साथ हैं, हम मोहम्मद जुबैर के साथ हैं, जिनको भी वो आपको लग सकता है कि कोई व्यक्ति है, कोई पार्टी नहीं है, लेकिन जो काम कर रहे हैं 20 साल से, कोई न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मोहम्मद जुबैर एक न्यूज फैक्ट्री का भंडाफोड़ करके हर रोज वो सच को स्थापित कर रहे हैं, सच की लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जो वकील हैं, पत्रकार हैं, उनको भी हम समझते हैं कि बड़ा दिक्कत का काम कर रहे हैं और सब लोगों को दिल कर ये बेहद हमें लगता है कि गलत है। और उदयपुर के मामले में तो हमने देखा पूरे देश में एक स्वर से, और खासकर हम कहेंगे एक स्वर से इसका विरोध, और जो खुलासा हो रहा है वो बल्कि बहुत चिंता की बात है। जो लोग हत्या के मामले में जुड़े हुए थे उनका राजनीतिक जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक बताया जा रहा है, बहुत चिंता की बात है। ऐसी घटना देश में, और सरकारें अपनी काम करें, नागरिक समाज अपना काम करें, और सभी राजनीतिक दलों के लिए हमारी अपील है, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें अफवाहें भी हैं, वो अफवाहों का बाजार गर्म ना किया जाए और अमन चैन रहे, लोगों के बीच में भाईचारा कायम रहे। ये जो देश को अस्थिर करने की कहीं कोशिश है ऐसी घटनाओं को,